हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में यार हम खेलने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैन सिमुलेटर, वो भी रोब्लॉक्स में। तो भाई इसमें हमें बस अपनी बॉडी बनानी है और बॉडी बना बना के बड़ा होना है। तो अभी इन लोगों ने हमें बेबी नूब बना दिया भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारा। तो हम धीरे धीरे करके बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे एक फेदर पकड़ लिया है हमने, ये बोल रहा है ग्रैब फेदर। और भाई साउंड बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं पहले। तो गाइस अब क्या करना है भाई, इसको आगे ले जाना है क्या, ऐसा कुछ बोल रहे हैं शायद। तो ये भाई फेदर को यहाँ पे लेके जाना है शायद फिनिश लाइन पे। और यहाँ पे प्लस टू मिला है हमें, एनर्जी प्लस टू, ये गाइस समझ गया मैं। उसके बाद यहाँ पे जाने बोल रहा है ये, यहाँ पे वर्कआउट करना है क्या गाइस, क्या है इधर, डू स्क्वाट्स बोल रहा है। अच्छा मतलब इधर स्क्वाट्स मारने हैं, लेकिन भाई कहाँ पे मारने हैं, कैसे मारना है भाई। यहाँ पे लिखा तो है मैं दबा रहा हूँ लेकिन मार ही नहीं रहा है भाई। और ये उठेगा इससे, ये तो भाई कद्दू नहीं उठेगा भाई, ये तो दब जाएगा इसके नीचे। अच्छा गाइस मैं समझ गया, इसको होल्ड करके रखना है। और भाई आ गया भाई, स्क्वाट मोड में आ गया। और यहाँ पे स्क्वाट मारना भाई, भाई मार रहा है, एक मारा भाई। और ये क्या हुआ भाई, ये रुको नहीं चाहिए भाई, हम गरीब आदमी ये सब मत दिया करो। रुको भाई, स्क्वाट मार रहा है और धीरे धीरे मार रहा है भाई, कितने मारने हैं। अच्छा एनर्जी जा रही है गाइस, हर स्क्वाट के साथ एनर्जी जा रही है। और ये क्या हुआ, एनर्जी ख़त्म हो गई शायद हमारी, और इसको छोड़ना पड़ेगा अब। और भाई ये कौन है भाई, ये तो अलग ही हाथी हो रहा है भाई, ये कौन है भाई ये। और ये क्या एक्सरसाइज कर रहा है भाई, गलत मार रहा है भाई, नेक चली जाएगी भाई, ये कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, ये मत करो भाई इंजरी हो जाएगी, गलत टाइप है ये। और यहाँ पे ये फेदर खिसकाना है हमें, और भाई अलग ही गजब बेइज्जती है भाई, मतलब फेदर खिसकाना है, सोच रहे हो आप, मतलब फेदर भाई, मतलब इतनी हल्की चीज़ इसे खिसकानी है। और उसमें भी भाई मैं चार लेकर जा रहा हूँ और खिसक गई, चलो गाइस ज़्यादा बेइज्जती नहीं हुई। और ऐसे इसको बार बार खिसकाना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो गाइस ये कितने उठा पा रहा है, चलो छः उठा पा रहा है, खिसक जाएगा ना भाई। हाँ भाई खिसक गया, चलो भाई थोड़ा तो ये कुछ आता है इसको। और यहाँ पर भाई एक टॉयलेट रखा है भाई, एक कमोड रखा है, इसको खिसकाना है भाई। और भाई खिसका के देखते हैं इसकी औकात है कि नहीं। रुको भाई, यहाँ पे मैंने छः के छः उठा लिए। और भाई ये देखो, ये फंस चुका है, इसके बस की नहीं है भाई। ये देखो यहाँ पे टॉयलेट इसको उल्टा खींच रहा है भाई, ये दम ही नहीं लगा पा रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैंने थोड़े कम किए हैं और ये तक नहीं खिसक रहा भाई इससे। और भाई सही बताऊँ ना, इसकी हालत देख के लग नहीं रहा है इसके बस की है ये, इसलिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। एक तक नहीं खिसक रहा भाई, छोड़ देते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट है गाइस, प्रेजेंट खिसक जाएगा क्या। चलो भाई प्रेजेंट खिसक गया, एक तो खिसक रहा है, और देखने कितने खिसक सकते हैं। और यहाँ पे तीन प्रेजेंट लगा लिए हमने और तीनों प्रेजेंट भाई खींच दिए भाई, मतलब कतई भाई माहिष्मती हो गया इधर। और ये क्या है, ये अलग ही खींच रहा है, कौन है ये, कौन खींच रहा है इसको। चलो गाइस कोई नहीं, इसको हम खींचते हैं पकड़ के फिर से। और भाई यहाँ पे फिर से खींच लिया हमने, मतलब ये थकता नहीं है जल्दी। चलो गाइस थकता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अब जाके वर्कआउट करेंगे और दंड पे लेंगे थोड़े से। और गाइस अब टेस्ट करते हैं भाई ये कमोड, और ये कमोड ऊपर ही गिर गया भाई हमारे, कोई हटाओ इसको भाई, बच गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था मैं। और भाई आ गया भाई, आखिरकार एक कमोड हमने खींच ही लिया है गाइस। और भाई एक बात बताओ, कमोड इसके ऊपर गिरा, वो ये हटा नहीं पाया लेकिन खींच के ले गया, ये कौन सा लॉजिक है। और भाई दो कमोड एक साथ गाइस, ये देखो। और यहाँ पे पीछे कौन आया भाई, इतना बड़ा आदमी कौन है ये। और भाई ये इतना देखो भाई, ये कैसा हो रहा है भाई, बिल्कुल जायंट हो रहा है ये। और यहाँ पे इस बार तीन खींच के देखेंगे, और तीनों खींच लिए गाइस। देखो गाइस आ गई भाई पावर, आ गई हम लोग में, बन गया भाई मैं दारा सिंह, बन गया भाई ल्यूशेंग, बन गया। और भाई एक साथ खींचते हैं, रुको भाई कितने आ रहे, सारे दे दो अब तो, चार पाँच, और भाई पाँच छः। अब देखते गाइस, अब देखो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं एक ही जगह पे चल रहा हूँ पिछले 10 मिनट से, इसलिए भाई थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो लगानी पड़ेगी। और भाई ये थक रहा है भाई, एक कदम चल के थक जा रहा है, थोड़ा रेस्ट लेने देते हैं उसके बाद चलेंगे। और गाइस अभी भी नहीं हो रहा है इससे, चलो गाइस पाँच कर देते हैं इसको, अब खींचते हैं भाई, अब खींच लिया भाई, अब आसानी से खींच लिया, ये कैसे एक ज़्यादा इतनी खींच पाया ये। और यहाँ पे दंड पेलते जा रहे गाइस, हम दंड पेलते जा रहे हैं। और यहाँ पे 50 लेवल पे आ चुके हैं हम लोग, और 50 लेवल पे हम वीक नूब बन गए, मतलब बेबी नूब से वीक नूब बन गए हैं। तो हर 50 लेवल पे शायद से अपग्रेड होता है। तो भाई मैं अब समझ गया हूँ खेल, अब मुझे 100 तक जाना है। तो गाइस ये काम करते हैं ना, ये सारे टॉयलेट पकड़ लेते हैं है ना, और उसके बाद भाई ये तीनों प्रेजेंट पकड़ लेते हैं, उसके बाद भाई ये फेदर भी पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं आप आ रहा है कि नहीं भाई, ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे हम, जब से मेहनत करे थे फालतू की बिल्कुल। और भाई तीनों खींच लिया हमने एक साथ भाई, मतलब बिल्कुल हल्क वाली पावर आ गई है, पूरा खींच दिया हमने, जो भी सामान रखा था इधर पूरा खींच दिया है। और भाई ये बहुत तगड़ी टेक्निक है यार लेकिन। और यहाँ पे गाइस हम वीक नूब से नूब बन गए हैं, और भाई वीक नूब से भी नूब बन गए भाई, मतलब सोचो गजब बेइज्जती है।
और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आदमी आया भाई। इधर ये देखो कितना बड़ा है भाई, ये कौन है, ये क्या कर रहा है भाई, ये कमोड में बैठ गया भाई, इतने से कमोड में कैसे बैठ गया ये, और ये क्या कर रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई मैं दब नहीं जाऊँ भाई इसके नीचे, इतना बड़ा है भाई ये, पता नहीं कितने साल इसने खाया होगा। और भाई ये मेरे ऊपर गिर गया भाई, ये मेरे ऊपर गिर गया यार, और मैं बच गया भाई। मुझे लगा यहाँ पे कहानी खत्म हो गई है। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मुझे खींच के ले आया भाई यहाँ तक, बताओ 2 सेकंड में खींच के ले आया, और ये लेट कैसे जा रहा है भाई बीच बीच में। और ये कहाँ, ये तो टेलीपोर्ट हो गया भाई, ओ नेक्स्ट वर्ल्ड लिखा है उधर, अच्छा हम आगे जा सकते हैं गाइस। तभी मैं सोचूं मैं आधे घंटे से इसको खींच रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हल्का हो रहा है। और यहाँ पे कतई स्ट्रॉन्ग नूब बन गए हम, मतलब नूब का टाइटल हट ही नहीं रहा है। और ये भाई डंपस्टर हमें ग्रैब करना है, और इसको हटा दिया भाई हमने फाइनली गाइज, ये हट चुका है। और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वर्ल्ड का रास्ता दिख रहा है। और गाइज हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें फाइनली थोड़ी सी भारी चीज़ें मिलेंगी भाई, मतलब थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे भाई मैंने पूरे मैप का सामान एक साथ उठा लिया है, पूरा प्रोटीन बार भाई, मतलब सारे टायर सब पेल दिए भाई एक साथ, मतलब मुझे मालूम ही नहीं था क्या क्या उठाना है। और ये प्रोटीन बार क्यों गायब नहीं हो रहा, अच्छा गाइस ये तो वो था नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने के, ये देखो मैंने कुछ भी उठा लिया था भाई, मतलब जो सामान इधर उधर पड़ा था ना वो भी उठा लिया भाई, इसको छोड़ो भाई इसको, अच्छा यहाँ पे रखा है भाई सही सामान। तो यहाँ पे प्रोटीन शेकर पेल लिए हमने 6 के 6 एक साथ। और क्या है गाइस, ये क्या है केटल बेल, ये भी ले लो। और यहाँ पे थोड़ा सा भारी हुआ, हल्का सा भारी हुआ, कोई बात नहीं। ये क्या है गाइस, प्रेजेंट है, प्रेजेंट भी ले लो, 1 प्रेजेंट 2 प्रेजेंट 3 प्रेजेंट, भाई 3 प्रेजेंट ले लिए और कतई बहुत सारा सामान हो गया है। और ये क्या है गाइस, वेट्स, और ये तो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, खींच के देखते गाइस, ये भी 1 वेट ले लिया है मैंने। और गाइस थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया, 3 वेट में तो भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 4 5 और 6 भाई सब डाल दिया भाई मैंने एक साथ सब डाल दिया। ये भी ले लेता हूँ, काम करता हूँ, क्या टायर रखा है भाई बहुत बड़ा सा, एक काम करते हैं रहन देते हैं भाई, किसी ने देख लिया अगर सामान हटाते हुए तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, अभी इसको ही खींच के ले जाते हैं। और यहाँ पे मैसिव नूब बन गए भाई हम, और ये मैसिव पढ़ के भाई अलग ही ताकत आ रही है। और ये सारे टायर डाल दिए मैंने एक के ऊपर एक, और ये टायर ने मुझे खींच लिया भाई हवा में, मतलब भाई बिल्कुल ये तो बेइज्जती हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पे एक और बंदा है जो पता नहीं मेरे से बड़ा है छोटा है, छोटा है गाइस, हल्का सा छोटा है। और ये क्या कर रहा है भाई, इसने टायर अटका दी अपने मेरे टायर के साथ, और भाई ये अटक गए हम दोनों। और ये क्या कर रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये लगता है मेरी पावर से खुद के टायर खींच रहा है ये। और यहाँ पे फिर लटक गया भाई भी, मुझे जल्दी हटाना पड़ेगा, कोई देख लेगा ना तो वहीं हंस के पागल हो जाएगा भाई, ये क्या कर रहा है भाई ये बंदा, मतलब इसकी औकात नहीं है। लेकिन तब भी पूरे 6 के 6 टायर भर लिए इसने। लेकिन गाइस अगर ये खींच सकता है तो यहाँ पे इसको क्या दिक्कत है गाइस, मैं एक चीज़ तो समझ गया हूँ कि मुझे एक के ऊपर एक नहीं रखना है कोई भी सामान, वरना तो ये बस की नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग ले जाता हूँ भाई। हाँ गाइस अब थोड़ा ठीक है, अब ये भी डाल लेते हैं, काम करते हैं, वेट थोड़े डाल लेते हैं भाई, कितने वेट से इसमें, 6 वेट से। और गाइस खींच लिया भाई, मुझे लगा नहीं था खींच लिया, और खींच लिया, और ये फिर आ गया भाई, इसने अटका दिया है मुझे। और अब मैं जा रहा हूँ गाइस नेक्स्ट वर्ल्ड में, क्योंकि ये सामान अब हल्का हो गया हमारे लिए। लेकिन इधर तो भाई बहुत बड़े बड़े सामान रखे हुए हैं, और ये क्या है भाई, बर्गर पैटीज रखा है इधर तो यहाँ पे सोडा रखा है, और ये तो हल्का ही होगा मेरे हिसाब से। और भाई 5 सोडा खींच लिए हमने बहुत आसानी से, और यहाँ पे सुशी भी पेल लेते भाई, सुशी यार एक के ऊपर एक रखा गई, और हम बिल्कुल हवा में, हम हवा में आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन भाई हटाओ इसको, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, यहाँ पे 3 सुशी हो गई है। और यहाँ पे भाई ज़मीन पे भी मैं नहीं आया हूँ, अभी आया हूँ 2 सुशी लेके भाई, मैं समझ गया हूँ इसके इतनी बस की है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा इससे। और यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं फाइनली फिनिश लाइन तक पहुँच गया हूँ गाइस, बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी भाई, ये नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा भारी है ये सब। और यहाँ पे मेगा नूब बन गए हम, और हल्का सा मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है ये, लेकिन तब भी औकात के ऊपर है ये भाई, ये तो हमसे खींची जाएगा, इतने सारे खींच रहे हैं, एक आध प्रेजेंट तो खींची जाएगा। और भाई ये खींच नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा भारी है गाइस। और गाइस यहाँ पे 3 प्रेजेंट रख लिए हमने, और भाई ये 2 प्रेजेंट भी नहीं खींच पा रहा है गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा ही भारी है भाई, 3 प्रेजेंट में तो हो गया इसका काम। मुझे लगता है भाई मुझे कम से कम 1 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तब जाके ये खींच पाऊँगा। और गाइस फाइनली हमारे में से नूब का टाइटल हट गया, और हम नूडल हो गए हैं, और अब तो खींच ही दूंगा गाइस। अब भाई अब भी नहीं खींच रहा भाई, इससे क्या है भाई, ये बहुत ज़्यादा ही भारी है मुझे लग रहा है, ये अभी भी थोड़ा सा भाई, मतलब थोड़ा सा हल्का हुआ है ये।
और यहाँ पर हम बेबी नूडल से वीक नूडल बन गए भाई। और इस बंदे को देख के मुझे मोटिवेशन आ गई भाई, ये क्या खींच रहा है भाई, ये सब खींच जा रहा है भाई, पूरी दुनिया का सामान खींच रहा है एक साथ। तो भाई मैं भी अब पाई खींचूंगा भाई, इतनी बड़ी पाई मैं खींच डालूंगा अब तो। रुको भाई देखने दो मुझे यहाँ पे कितनी पाई डल रही है एक साथ, और यहाँ पे दो डल चुकी है गाइस, और अभी से बाहर ही लग रहा है, और तीन पाई आ गई। और गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन गाइस खींच दे रहा है, तब भी खींच दे रहा है ये। और अब गाइस टाइम आ गया है ये देखने का कि इस लेवल के सबसे बड़े सामान को हम खींच पाते हैं कि नहीं, जो कि भाई ये इतनी बड़ी टर्की। और यहाँ पे दो टर्की हमने खींच दिए गाइस एक साथ, फाइनली हम लोग बाहुबली बन गए हैं। और यहाँ पर नूडल बन के गाइस हम लोग ने फाइनली तीन टर्की को फिनिश लाइन तक ले आया। थोड़ा ऊँचा कुचक के आना पड़ रहा है, लेकिन भाई हो जाएगा, तब भी थोड़ी औकात आ चुकी है हम लोगों में। और गाइस अब टाइम है दूसरे लेवल पे जाने का, तो ये बड़ा सा फ्रायर को मैं खींच देता हूँ। और भाई ये पकड़ा नहीं क्या शायद, सॉरी मुझे लगा भाई इतनी आसानी से कैसे खींच दे रहा है, ये अलग ही ताकतवर हो गया है। और यहाँ पे ये लोड होगा, अब भाई खींच दिया भाई मैंने पूरे फ्रायर को खींच दिया पकड़ के। और अब क्या है सामान गाइस इधर, और यहाँ पे भाई ये गेमिंग वाले आ गए हैं, ये गेमिंग के सामान आ चुके हैं पूरे के पूरे। और पहले तो हम इसको खींच के देखते हैं फर्स्ट बॉल को, तो कितने आ रहे हैं भाई, आ जाओ भाई कितने आ रहे हैं, तीन ही आ रहे हैं। और यहाँ पे तीन पे निकल गया भाई, हवा निकल गई इसकी तीन में। और भाई ये क्या रखा है, इसको उठाऊं कि नहीं, उठा के देखते हैं एयर हॉकी। और भाई हो गया, इससे नहीं होगा भाई, इससे नहीं होगा। और यहाँ पर सिर्फ एयर हॉकी उठा के देखते हैं हम लोग। और भाई कितनी आ रही है भाई, तीन आ रही है गाइस। और तीन में भाई रुको भाई, थोड़ा इधर उधर रख लेते हैं इसको, एक के ऊपर एक नहीं खिसकेगी। और गाइस यहाँ पे तीन भाई नहीं आ रही, इससे नहीं हो रहा, ये चल भी नहीं पा रहा है गाइस, ये तो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैं दो एयर हॉकी को ले आऊँ गाइस, आप देख सकते हो कैसे स्लो मोशन में चल रहा है गाइस, बिल्कुल स्लो मोशन वाला डांस हो रहा है इधर, बिल्कुल ही धीरे आ रहा है गाइस, एक एक कदम 10 सेकंड में रख रहा है ये। और पहाड़ों के नीचे और वाटरफॉल के अंदर ट्रेनिंग करने के बाद हम स्ट्रॉन्ग नूडल बन गए हैं। और ये प्रेजेंट भाई अभी भी नहीं खींच रहा भाई हमसे, मतलब बताओ इतना भारी है क्या भाई, ये इतना भारी है भाई, ये एक प्रेजेंट नहीं खींच रहा है इससे। और यहाँ पे दो लेवल और ऊपर आ गए हम लोग, मेगा नूडल बन चुके हैं। और गाइस अभी भी नहीं खींच रहा गाइस, कितना भारी है ये, मतलब कितना सामान रखा है, वैसे लग रहा है सारा सामान इसी के अंदर भरा हुआ है, क्या है इस प्रेजेंट में, सेंटा क्लॉस ने खुद एक साल ट्रेनिंग करी हुई गाइस इस प्रेजेंट को यहाँ तक लाने में। और हम लोग नूडल से ऊपर आके वीकलिंग बन चुके हैं, और गाइस अभी भी नहीं खींच रहा गाइस, ये बहुत ज़्यादा ही भारी है गाइस, मुझे जाइंट बन के ही आना पड़ेगा लग रहा है वापस। और गाइस मैं बड़ा वाला वीकलिंग बन गया हूँ, और अब ये थोड़ा खींच रहा है गाइस, अब ये थोड़ा जॉग कर पा रहा है, तो भाई समझ जाओ कि कितना भारी है गाइस, बहुत ज़्यादा ही भारी है ये। और यहाँ पर स्पाइसी वीकलिंग बन गए हम, और ये लेके देखते हैं क्रैब रेसिंग आर्केड गाइस, रेसिंग आर्केड गाइस खींच दे रहा है ये, बताओ रेसिंग आर्केड खींच दे रहा है। और 10 के मिले हैं, एक बार ये वाला ट्राई करते हैं प्रेजेंट, और अब मालूम चल जाएगा हमें। और भाई ये प्रेजेंट उठाया मैंने, दो प्रेजेंट में तो भाई निकल गई इसकी हवा, एक प्रेजेंट गाइस, एक प्रेजेंट भी इससे हल्का सा खींच रहा है गाइस, मतलब बगल वाला इससे ज़्यादा हल्का है, बताओ रेसिंग आर्केड जो इसके आगे रखा है वो ज़्यादा हल्का है इससे। और गाइस इतनी ट्रेनिंग के बाद फाइनली दो प्रेजेंट हम खींच दे रहे हैं गाइस, अब मुझे लग रहा है मैंने कुछ अचीव किया है। और गाइस एक घंटा खेलने के बाद फाइनली हम लोग स्ट्रॉन्ग रिप्ड हो गए हैं, और तीन के तीन बास्केटबॉल, जो सबसे बड़ा सामान है हमने ये उठा लिया है। और थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा है, लेकिन तब भी हम लोग इसको खींच लेंगे गाइस। और ये गेम मैं समझ चुका हूँ गाइस, ये गेम वो वाले हैं जिनमें भाई टाइम देना पड़ता है, और जितना टाइम आप दोगे उतना अच्छा आप खेलोगे। तो गाइस ऐसे गेम तो भाई मैं सबसे पहले अनइंस्टॉल मारता हूँ, तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, और अब भाई मैं इतनी जल्दी लीव मारने वाला हूँ ना इसे, चाहे सेव हो या नहीं हो गाइस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, डेढ़ घंटा एक घंटा मैंने खेला है इसको। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बताओ कि आपको ऐसे गेम्स और चाहिए, और चैनल पे नए और ऐसे मज़ेदार गेम्स देखने जा सब्सक्राइब कर लो गाइस। और पिछली बार हमने रोब्लॉक्स में कार्ट राइड खेला था भाई, बहुत मज़ा आया था, तो वो वीडियो आपके सामने आ रही है, तो देख लो दबा के उसको।